की माया किचन में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज सीताफल की सब्जी आपको बनाना बताऊंगी। इसमें हम दो सीताफल लेंगे, चार हरी मिर्च लेंगे, दो प्याज लेंगे, एक लहसुन का गांठ लेंगे। सीताफल के मीडियम साइज के टुकड़े कर लेंगे, जिससे कि हमारे आसानी से जल्दी पक जाए। ये देखो, हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये पीस छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये प्याज काट लिए बारीक, लहसुन काट लिया है, जो हमने चार हरी मिर्च ली थी वो भी काट ली है। इसके लिए मसाला हमने रेडी कर लिया है। ये हमने सूखी मेथी ले ली, थोड़ा सा जीरा ले लिया, तेज पत्ता ले लिया, हल्का सा गर्म मसाला लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये हमने इसमें डालने के लिए चीनी ली है थोड़ी सी, एक चम्मच करीब। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम तेल डालेंगे, एक चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, हाथ से देख लेंगे। अब तेल हमारा हो चुका है, अब इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। सूखी मेथी डालेंगे, अब इसे भूनेंगे। पहले डालेंगे लहसुन, फिर डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, अब इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब तक ये लाल ना हो जाए, जब तक इसे भूनना है। हल्की हल्की प्याज ब्राउन सी, ब्राउन या हल्की लाल हो जाए तब तक आपको भूनना है इसे। प्याज हमारी देखो ब्राउन हो चुकी है, हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ सीताफल। इसे चला देंगे थोड़ा। सीताफल को थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे, दो मिनट। हमारा सीताफल भून चुका है, अब हम इसको डालेंगे एक चम्मच नमक, थोड़ा सा और, वैसे तो स्वाद अनुसार आप लोग डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी, मिर्च और ये आपका गरम मसाला, ठीक है, डाल देंगे इसमें। इसमें थोड़ा सा आमचूर भी डालेंगे, एक चम्मच करीब आमचूर डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से इसे मिलाएंगे। इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब इसे हम 5 मिनट हो चुके हैं, खोल के देखेंगे। हमारा सीताफल पक चुका है, हल्का हल्का। गैस को आप धीमे कर देंगे।
धीमी धीमी आँच पे रखने के बाद हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। धीमी आँच पे इसे हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये हमने 1 चम्मच चीनी ली थी इसे डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर चलाएंगे, फिर इसे ढक देंगे, गैस को कर देंगे बंद। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है, देखो इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। इसे आप पूड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। एक बार जरूर टेस्ट करके देखिए, बना के देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। बाय बाय दोस्तों।